नमस्कार, प्राइम 100 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ श्वेता गर्ग और आइए रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। कांग्रेस अगले साल नई बिल्डिंग में फहराएगी 15 अगस्त का तिरंगा, हाई कोर्ट होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 55 करोड़ 73 लाख रुपए अधिक कोरोना वैक्सीन दी गई। जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के जंगल में 10 साल पुरानी दरार से मिले भारी हथियार और गोला बारूद। डीएम के सरकार का पहला बजट पेश, राजस्व घाटा 146 गुमनाम नायकों को याद करेगी सरकार, कई नामों पर उठे सवाल। एम्स के निदेशक ने कहा कोरोना वायरस की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है, तीसरी लहर लोगों के व्यवहार पर है निर्भर। सोशल मीडिया पर सियासत तेज, राहुल बोले देश की राजनीतिक प्रक्रिया में दखल दे रहा है ट्विटर। ट्विटर के भारत प्रमुख मनीष माहेश्वरी का अमेरिका ट्रांसफर, रेवेन्यू स्ट्रेटजी और ऑपरेशन की मिली जानकारी। असम विधानसभा ने पारित किया पशु संरक्षण विधेयक, मंदिरों के 5 किलोमीटर दायरे में गोवध प्रतिबंध। मुंबई में डेल्टा प्लस वेरिएंट से पहली मौत, कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुकी थी महिला। अगले साल से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, केंद्र सरकार ने जारी किया नया नोटिफिकेशन। सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचने के लिए अभियान चलाएंगे दिव्यांग, बनाएंगे नया विश्व रिकॉर्ड। मोदी सरकार तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों में जुटी, स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने के लिए राज्य को दिए 7500 करोड़। कोरोना के हालात की समीक्षा करने सोमवार को केरल जाएंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। वैक्सीन की संख्या बढ़ाने की तैयारियां जोरों पर, जेएनजे सिंगल डोज दिसंबर तक मिलने की उम्मीद। आजमगढ़ में नेशनल इंडस्ट्रीज पर जीएसटी टीम की छापेमारी, लगभग 9 घंटे तक खंगाले रिकॉर्ड। में 4 दिनों तक चलेगा वृक्षारोपण अभियान, 1000 पेड़ लगाकर पर्यावरण को दिया जाएगा बढ़ावा। शाहजहांपुर में मगरमच्छ आ जाने से गांव में मची अफरा तफरी, वन विभाग ने मगरमच्छ को कब्जे में लिया। अलीगढ़ में 2 कारों की जोरदार टक्कर, घायलों को भेजा गया अस्पताल। अलीगढ़ में पैसों के लालच में हुई युवक की हत्या, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 2 पर केस हुआ दर्ज।
अलीगढ़ में नगर निगम की टीम हुई सुपर एक्टिव, नाले के पास हटाया गया अतिक्रमण। अलीगढ़ में सैकड़ों परिवार पलायन को हुए मजबूर, दरवाजे पर लिख गए मकान बिकाऊ है। अलीगढ़ में रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा, पटरी क्रॉस करते हुए 3 लोगों की मौत। फतेहपुर में बच्चों ने फेस पेंटिंग प्रतियोगिता में लिया हिस्सा, बुजुर्गों ने अमृत महोत्सव की प्रशंसा। सोनभद्र में चोरों के हौसले हुए बुलंद, रॉबर्ट्सगंज में हो रही लगातार हो रही चोरी की घटनाएं। आगरा में दीवानी चौराहे पर अधिवक्ता संघ का प्रदर्शन, अधिवक्ताओं ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। आजमगढ़ में टीजीटी परीक्षा को लेकर प्रशासन ने की तैयारियां, सेक्टर मजिस्ट्रेट ने कर्मचारियों के साथ की बैठक। बुलंदशहर में ब्राह्मण वोटों पर बसपा की पैनी नजर, संगोष्ठी सम्मेलन में सतीश मिश्रा ने की शिरकत, ब्राह्मणों को सतीश मिश्रा ने किया संबोधित। रायबरेली में अपराधियों को रोकने में पुलिस नाकाम, अज्ञात बदमाश ने हजारों रुपए लूटे, पुलिस की कार्यशैली पर उठाए गए सवाल। रायबरेली में लूट का पुलिस ने किया खुलासा, 5 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लुटेरों के पास से कई कीमती सामान हुए बरामद। सिद्धार्थनगर में पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़, पुलिस की गोली से बदमाश हुआ घायल, घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायबरेली में अधेड़ की हत्या का हुआ खुलासा, 48 घंटों में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। लखनऊ में पीट पीट कर की गई हत्या, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। बस्ती में लाखों के मोबाइल बरामद, सर्विलांस सेल ने मामले की जांच। कानपुर देहात में तालाब में डूबने से 2 मासूमों की हुई मौत, परिजनों ने मचा कोहराम। कानपुर देहात में शराब ठेका मालिक को बदमाशों ने मारी गोली, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जौनपुर में दरोगा पर ताजिया फाड़ने पर लगा आरोप, मुस्लिम समुदाय ने दिखाया भारी रोष। द ठग्स ऑफ बस्ती, पुलिस ने 3 ठग को किया गिरफ्तार, कई लोगों से लाखों रुपए की चूक। फतेहपुर में धोखाधड़ी का मामला आया सामने, खाताधारक के साथ हुई धोखाधड़ी, अभी तक नहीं हुई है कोई सुनवाई। हरदोई में खाना खाने को लेकर हुआ विवाद, चचेरे भाई भतीजे में चली गोली, मामले की जांच में जुटी पुलिस। संबल में बच्चों ने पतंग उड़ाने के दौरान की लड़ाई, दबंगों ने महिला पर किया हमला, मामले की जांच में जुटी पुलिस।
फतेहपुर में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव। घटना के बाद से इलाके में दहशत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। फिरोजाबाद में तिलियानी गांव में किसान की गोली मारकर हत्या। मामूली बात से दो पक्षों में हुआ था विवाद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सीएम योगी का आदित्यनाथ का दो दिवसीय दौरा। गोरखपुर दौरे से दूसरे दिन पर सीएम ने हिंदू सेवा आश्रम में लगाया जनता दरबार। लखनऊ में गोमती नगर में देर रात भीषण सड़क हादसा। समता मूलक चौराहे के पास दो कार आपस में टकराई। हादसे में 6 लोग घायल। लखनऊ में 15 अगस्त को लेकर लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सीआईएसएफ के जवान एयरपोर्ट पर चप्पे चप्पे पर तैनात। एयरपोर्ट परिसर में प्रवेश कर रहे वाहनों की सघन तलाशी। गोमती नगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 1.20 करोड़ की ठगी करने वाला गिरफ्तार। जालसाज अमरीन सोनकर हुआ अरेस्ट। फतेहपुर में पत्नी ने पति की गोली मारकर की हत्या। गोलीकांड से गांव में मची सनसनी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखीमपुर खीरी में चंदन चौकी के आवागमन का रास्ता हुआ बंद। चंदन चौकी से 3 किलोमीटर पहले बनी पुलिया टूटी। आवागमन हुआ बंद। तहसील प्रशासन नहीं ले रहा है संज्ञान। लखनऊ में नर्सिंग की छात्रा ने लगाई फांसी। प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है मामला। पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी। पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे का मामला। विधायकों को समर्थन पत्रों को जलाकर युवा कांग्रेस ने किया विरोध। भगवानपुर में लाइनमैन की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या। ड्यूटी के बाद घर जा रहा था लाइनमैन। मृतक के परिवारों में मचा कोहराम। चंपावत में मां बाराही धाम मेले को लेकर जारी किए गए निर्देश। डीएम ने मेले को सांकेतिक रूप से मनाने के लिए दी की अपील। देहरादून में गीतकार नरेंद्र सिंह पर आधारित पुस्तक का विमोचन। सीएम धामी ने सृजन से साक्षात्कार किताब का किया विमोचन। नरेंद्र सिंह नेगी ने लोक सांस्कृतिक गीतों से दिया बढ़ावा। मसूरी में नगर पालिका अध्यक्ष को कोर्ट ने दी राहत। याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले को बताया आधारहीन। हरिद्वार में 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कुछ दिन पहले हुई डकैती में शामिल था आरोपी। रोशनाबाद में हैट्रिक गर्ल को रौतेले पुरस्कार से किया गया सम्मानित। सीएम ने वंदना कटियार को सम्मानित कर दिया प्रशस्ति पत्र। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। हरिद्वार में वंदना कटारियों को बधाई देने वालों का लगा तांता। ऋषिकुल ऑडिटोरियम में स्वागत कार्यक्रम का आयोजन। मसूरी में बोर्ड परीक्षा के मेधावी छात्रों का किया गया सम्मान। समाज सेवी संस्था ने किया छात्र छात्राओं को दिया पुरस्कार। रुड़की में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया अनोखा प्रदर्शन। बीजेपी सांसद को ढूंढने के लिए हाईवे पर लगाया दूरबीन। लापता सांसद को ढूंढने वाले को एक कुंतल लड्डू देने का किया ऐलान। रुद्रप्रयाग में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम। जिले भर में लगाए गए 42 सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी। पॉलिसी के नाम पर किसान से 3.5 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाला हुआ गिरफ्तार।
नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह बोले, समाज के हर वर्ग को सड़क पर ले आई है भाजपा सरकार। ₹7,000 करोड़ के अनुपूरक बजट की तैयारी, इन योजनाओं को ज्यादा धनराशि देने पर रहेगा जोर। स्वतंत्रता दिवस पर भाजयुमो की देश के नाम दौड़, 252 मंडलों में 2,520 किलोमीटर दौड़ेंगे कार्यकर्ता। पेंटागन बोला, अफगानिस्तान की स्थिति गंभीर, काबुल को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है तालिबान। तालिबान ने कई और अफगान शहरों पर जमाया कब्जा, राजधानी काबुल पर जल्द शुरू कर सकता है हमला। अफगानी महिलाओं को लड़ाकों से शादी करने के लिए मजबूर कर रहा तालिबान, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। ब्रिटेन के प्लाईमाउथ शहर में गोलीबारी में 6 लोगों की मौत, इलाके की घेराबंदी। काबुल के बेहद करीब पहुंचा तालिबान, अमेरिका ने दूतावास से खुफिया कागज मिटाने को कहा। चालबाज चीन की नई चाल, सैकड़ों बड़माटू मिसालियों के लिए बन रहा तीसरा साइलो। तालिबान की इंडिया को धमकी, अफगान की मदद का स्वागत, लेकिन आर्मी भेजने की गलती की तो अच्छा नहीं होगा। हेल मंसूबे पर तालिबान का कब्जा, ब्रिटेन ने कहा अलकायदा की होगी वापसी। तालिबान ने भारत को लेकर कहा, अफगानिस्तान में किसी दूतावास या राजनयिक को नहीं बनाएंगे निशाना। इमरान खान का छलका दर्द, बोले भारत बन गया है अमेरिका का रणनीतिक सहयोगी। अमेरिका में सशस्त्र व्यक्ति मिलने के बाद सैन्य अड्डे को किया गया बंद, गोलीबारी की सुनी गई आवाज। अमेरिकी विशेषज्ञ ने कहा, टीके के बूस्टर खुराक भी इम्यूनिटी वालों को लगाई जाएगी। कोरोना को लेकर बढ़ती लापरवाही, चीनी सरकार ने 20 अधिकारियों को किया दंडित। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस ने कहा, अफगानिस्तान में हालात लगातार बिगड़ने के साथ आतंकवादी संगठन अलकायदा संभव करेगा वापसी। तालिबान द्वारा बंद की गई चमन सीमा पर वाक सुरक्षा बलों की अफगानिस्तान से भिड़ंत, एक की मौत। पाकिस्तानी एनएसए की अफगानिस्तान को नसीहत, जंग पर दे ध्यान, भारत पर लगाएगा आरोप। तालिबान में पाकिस्तान के रास्ते शामिल हो रहे ब्रिटेन के जिहादी खुफिया एजेंसियों की उड़ी नींद। पाकिस्तान ने कहा, अमेरिका हमारा मित्र, अफगानिस्तान में दोनों देश चाहते हैं शांति और समृद्धि।
पाकिस्तान में हत्या सूची का रहस्य गहराया, संसदीय समिति ने जांच का आदेश दिया। तालिबान के कब्जे के बाद गृह युद्ध की चपेट में आ सकती है अफगानिस्तान, विशेषज्ञों ने जताई गहरी चिंता। वॉकहार्ट ने स्पुतनिक के उत्पादन आपूर्ति के लिए दुबई की कंपनी के साथ किया समझौता। गोदरेज इंडस्ट्री के चेयरमैन पद से आदि गोदरेज का इस्तीफा, 1 अक्टूबर से नादर गोदरेज संभालेंगे कमान। पीएनबी कस्टमर्स के लिए जरूरी खबर, अगले महीने से होने जा रहा है बड़ा बदलाव, नए पुराने सभी ग्राहकों पर पड़ेगा असर। देश भर में लगेंगे प्रीपेड स्मार्ट मीटर, सभी मंत्रालयों को दी गई सलाह, बिजली बिल के बकाए से मिलेगी आजादी। पीएम मोदी ने स्क्रैपेज पॉलिसी को लॉन्च किया, पुरानी कार बेचने पर एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, नई कार खरीदने पर इसका फायदा मिलेगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी ने जारी की गाइडलाइन, 10 सितंबर तक भेजनी होगी टीमों की सूची, 15 खिलाड़ी और 8 अधिकारियों को लाने की अनुमति। ब्रेथवेट और होल्डर ने अर्धशतक बनाकर पाकिस्तान पर हमले टेस्ट मैच हासिल की बढ़त, वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान पर बनाई बढ़त। भारत दूसरे टेस्ट में मजबूत स्थिति में, वर्ल्ड कप को लेकर आईसीसी ने बनाया खास नियम। भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताने वाला कप्तान उन्मुख चंद ने 28 साल की उम्र में लिया संन्यास, अमेरिका के लिए खेल सकते हैं। चार भारतीय खिलाड़ियों को ऑल टाइम ओडीआई प्लेइंग 11 में शान टेंथ ने दी जगह, दो पाकिस्तानी भी शामिल। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फाइटर 26 जनवरी 2023 को होगी रिलीज, इस फिल्म में पहली बार ऋतिक और दीपिका की जोड़ी साथ आएगी नजर। भंसाली की हीरा मंडी में 20 साल बाद फिर एक साथ नजर आएंगी माधुरी और रेखा, इन दोनों दिग्गज अधिकारों ने आखिरी बार एक साथ फिल्म लज्जा में आई थी नजर। कंगना रनौत ने धाकड़ की शूटिंग की पूरी, रैपा पार्टी में ब्राइट ब्रालेट और पैड एक्ट्रेस का दिखा ग्लैमर अंदाज, सोशल मीडिया पर फोटोज वायरल। बेल बॉटम के बाद अब मिशन सिंड्रेला के लिए एक बार फिर इंग्लैंड पहुंचे अक्षय कुमार, 20 अगस्त के बाद शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। अक्षय कुमार और वाणी कपूर स्टारर बेल बॉटम फिल्म का गाना सखिया तू नॉट रिलीज, यूजर बोले यह वह गाना है उठाकर खराब करो और बन गया। आज के प्राइम 100 में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।